नमस्कार दोस्तों, आज अपने नेचुरल गार्डन में कुछ कार्य कर रहा था तो इसकी तरफ मेरा ध्यान पड़ा। यह देखने में मोतियों की माला सी लगती है, लेकिन यह मोतियों की माला नहीं है, यह किसी इंसेक्ट के अंडे हैं। इंसेक्ट ने अंडे इस प्रकार दिए हुए हैं, इस प्रकार माला के मोतियों को धागे के साथ पिरोकर एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार इंसेक्ट ने भी अपने सभी अंडों को इस प्रकार से दिया हुआ है कि वह एक माला सी नज़र आते हैं। अभी मॉनसून का मौसम शुरू हो रहा है और मॉनसून में हमें देखने के लिए अपने नेचुरल गार्डन में बहुत सारे इंसेक्ट नज़र आते हैं जो हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे, और हमारे नेचुरल गार्डन में सुबह और शाम को बहुत सारे पक्षी आते हैं। बहुत सारे पक्षी तो स्पेशल अपने अंडे देने के लिए आते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर कर अपने साथ ले जाते हैं। अभी पीछे तीतर पक्षी ने 9 अंडे दिए हुए थे और देसी चिड़िया भी हमारे नेचुरल गार्डन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और सुबह और शाम का माहौल तो बिल्कुल मनमोहक होता है। चलिए इन अंडों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे हमने इनको उठाया था वैसे ही उसी जगह पर रख देते हैं ताकि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड को पता हो कि यह किस चीज़ के अंडे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हमारी भी जानकारी बढ़ सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।